नमस्ते दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ छोले भटूरे बनाने, और छोले जो नॉर्मल तरीके से बनते हैं वो मैं बना रही हूँ, बाज़ार जैसे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रेसिपी दी हुई है ऑलरेडी उसकी, आप देख लीजिएगा। हमारे घर ऐसे ही वाला पसंद करते हैं, तो जो ज़्यादा मसाला वाला रहता है, मतलब खड़े मसाले वाला, वो नहीं जो बाज़ार में मिलता है। तो ये देखिए, मैंने इतना प्याज ले लिया है, मैं आपको शुरू से दिखा रही हूँ। तो ये प्याज को मैंने बीच से कट करके पानी में डाल दिया है, फिर इसको मैं धुल लूँगी 2-3 बार। ये देखिए, मैंने ये लहसुन भी डाला है, और ये भी इमली। इसके अलावा ये देखिए काबुली चने, मैंने ये भी डाल दिया है पानी में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया काबुली चना, इसमें मैंने कुछ आलू डाल लिए हैं, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक 2 इलायची है, हल्दी है, नमक है, बस और कुछ नहीं डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए छौंके के लिए मैंने लिया है ये सारे खड़े मसाले और तेजपत्ता, यहाँ है हींग, ज़ीरा भी लूँगी, और ये मसाले मैं ली हूँ मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, और इसके अलावा छोले मसाले में डालूँगी। और यहाँ मैंने लिया है फ्रेंड्स एक बाउल दही, क्योंकि मुझे आटा लगाना है, और उसमें मैं सोडा ही डालूँगी, मैं इनो वाला नहीं बना रही हूँ इसमें। और ये सब मसाले के अलावा इसमें ये जाएगा छोले मसाले और चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, वो मैं आपको दिखा दूँगी डालते टाइम। तो आप फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, तेज़पत्ता है, खड़े मसाले हैं, हींग है, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक। तो ये देखिए मेरा हो गया प्रिपरेशन, ये मसाले जो मैंने दिखाए थे, और ये है टमेटो प्यूरी, और ये है 3 से 4 अनियन मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था, और कुछ प्याज को मैंने लंबे शेप में काट लिया था, और ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो गया, और ये है कर्ड जो मैदे में मैं मिला के लगाऊंगी इसका आटा। फिर उसके बाद ये देखिए एक साथ सारा चीज़ आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको मेज़रमेंट में कोई इशू ना आए, और साथ में कसूरी मेथी भी है। और ये मैदा रहा मेरा, मैदा को मैंने छान लिया है, मैदा 1/2 kg के आसपास, जिसमें 1 टीस्पून में सोडा डालूंगी, और 2 टेबलस्पून में ऑयल डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, और उसके बाद आटा लगाऊंगी दही से। और फ्रेंड्स, थोड़े मेरे भटूरे कम फूले थे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी बना लिया था, और इसको आप ऑयल में ही लेके बेलें तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और दही की जगह थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दी थी। तो ये देखिए, अब मैं छोले का कर रही हूँ प्रिपरेशन। तो छोले मैं कुकर में ही बनाऊँगी, तो कुकर मैंने बैठा लिया, इसमें डाला मैंने सरसों ऑयल है, 4 से 5 टेबल स्पून होगा, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये ऑयल गर्म होने के बाद मैं छौंके के लिए खड़े मसाले डालूँगी, हींग और ज़ीरा भी डालूँगी साथ साथ, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इसमें था लौंग, दालचीनी और कुछ कुछ था, तेज़पत्ता, हींग, ज़ीरा। तो ये छौंका मेरा हो जाएगा, तब मैं इसमें जो अनियन मैंने लंबे शेप के काटे हुए थे वो डालूंगी, फिर अनियन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं ये पेस्ट डाल दूंगी जो मैंने बनाए थे वो वाले। तो आप आगे आगे देखते जाइए फ्रेंड्स, और छोले बहुत ही टेस्टी बने थे, लेकिन भटूरा थोड़ा कम फूला था, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने दही की जगह थोड़ा सा उसमें पानी भी ऐड कर दिया था इस वजह से, लेकिन था बहुत टेस्टी फ्रेंड्स। और एक और मैं कुछ दिन पहले रेसिपी दी हूँ, जो कि मैंने स्ट्रीट स्टाइल में बनाया है, और उसमें मैंने इनो डाल के बनाया हुआ था, तो वो भी अच्छी थी। और देखिए, ये जो हमें भटूरे के साथ, सॉरी छोले भटूरे के साथ जो आलू जो मिलता है ना, ये वाला, वो भी मैं बना रही हूँ। तो आलू जो मैंने बॉईल किया था उसको कट करके धो लिया फ्रेंड्स, धो लीजिए वरना ये चिपक जाता है। उसके बाद मैं इसमें तल लूँगी, जो मैंने भटूरी के लिए ऑयल ऑलरेडी लिया हुआ है उसी में मैं तल रही हूँ ये सारे आलू को। ये रिफाइंड ऑयल है, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम तो वैसे मोस्टली ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन अभी सोयाबीन लिया है मैंने। तो देखिए, ये तलने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाए तब आप निकालें ऑयल से, और आगे का प्रोसेस देखिए फ्रेंड्स।
इधर मेरा प्याज हो रहा है छोले के लिए, छोले में कुकर में ही बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बटूरा का आटा है, थोड़ा गीला है और इसमें मैंने ऑयल डाल के इसको ढक के कपड़े से छोड़ दिया। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा अनियन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है थोड़ा सा, और मैं इसे भूनूंगी। उसके बाद में ये जो प्याज का पेस्ट है ये डालूंगी, शायद हो गया लगा लूँगी। और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, साथ साथ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स इसको 10 से 15 मिनट आप पकाएं ये सारे पेस्ट को, उसके बाद आप मसाले ऐड करें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पकाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा छोले में। तो देखिए मैंने कवर कर करके पकाया है, अब इसमें मसाले डालूंगी। ये भूना नहीं है, 5 से 6 मिनट इसे और भूनना है, तब मैं आधे के ही मसाले डाल दूँगी। फ्रेंड्स मसाले में देख लीजिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, बस अभी इतना ही डाल। देखिए मसाले भूनने के बाद मैंने इसमें छोले मिला दिया, अब इसमें छोले मसाले और ये डालूंगी कसूरी मेथी और आलू। आलू को मैं भूनूंगी नहीं, ऊपर से डालूंगी, इससे ग्रेवी थिक होती है, तो आपको दिखा दूंगी। अभी थोड़ा सा इसको भून लूँ साथ में मसाले के साथ, मतलब मिक्स कर लूँ, भूनना क्यों नहीं। फ्रेंड्स छोले मिक्स हो गए, तो अब इसमें मैं छोले मसाला डाल के इसे भी 1 मिनट पका लूँगी, और उसके बाद मैं इमली का पानी डालूँगी। जो इमली मैंने भिगोया था ना, इसको छान के मैंने डाल लिया है इसमें, और ये सीटी लगाने से पहले ही मैं करूँगी। इधर मैं आलू का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आलू के लिए मैंने लिया है ऑयल, ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और उसके बाद आपको मसाले डालने हैं, लेकिन मैं आलू डालने के बाद मसाले डाली। मसाले में मैंने लिया था धनिया पाउडर, सौंफ और ये ज़ीरा, और थोड़ा सा गोल्ड मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सबको एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें मैं डाल के थोड़ा सा मैं पानी डाली, क्योंकि चिपक रहे थे। और ये देखिए भटूरा, जैसे मैंने बताया आपको, ये थोड़ा कम फूला हुआ था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था।